अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, क्या हाल हैं? सो अभी हम तैयारी पकड़ रहे हैं और तैयारी अब कोई पता नहीं कि हम किधर जा रहे हैं, लेकिन नॉर्दर्न एरियाज की तरफ निकल रहे हैं। सो पैकिंग चेकिंग रेडी है, कमरे का हाल देख लेंगे। हमारे यहाँ पर मजदूर रहते हैं, ये हमारे CR साहब हैं और इंशाल्लाह फिर निकलते हैं, फिर आपको अपडेट देते हैं। ठीक है, सो बस रेडी, सामान शामान सारा कुछ रेडी है और अब हम जा रहे लोकल हैं, क्योंकि गाड़ियों का ज़रा वो है कि आपको अगर एक्सपीरियंस नहीं हो तो फिर ज़रा गाड़ी में इशू होता है। सो अभी हम देखते हैं कहाँ से जाएंगे, कैसे जाएंगे, कोई पता नहीं है, लेकिन देखते हैं आगे साथ साथ आपको अपडेट करते हैं। मंडी मोड़ वहाँ से डायरेक्ट अभी प्लान बना तो फिर वहाँ से तैमरगरा की गाड़ी में बैठ गए और मुझे ना यहाँ पर सारे पठान हैं, मुझे शर्म आ रही है किसान बोलते हैं। सो अभी देखते हैं तैमरगरा पहुँच के फिर आपसे बात होगी, देखते हैं कि किराया कभी बताते हैं कितना किराया है। फाइनली हम तैमरगरा पहुँच गए और जैसा मैंने आपको बताया था कि लास्ट वीक जब हम गाड़ी में बैठे थे, गाड़ी में वैसे तो हम जल्दी पहुँचे लेकिन गाड़ी वाला ज़रा लेट हो गया किस वजह से। और किराया कितना था? 850 मंडी मोड़ से 850 रुपये किराया तैमरगरा तक। इधर अभी हम ये एक होटल में स्टे कर रहे हैं जिसका 1000 रुपये किराया है। ठीक है, तो आपको अंदाजा लगाओ कि कितना कितना खर्चा आता है ना। हमने ये सोचा है, ठीक है सारे एक जैसे नहीं होते, लेकिन अभी हम जिधर भी जाते हैं पहले रेट पूछते हैं, क्योंकि एक ने हमें दा लगा दी है। सो नाइट नान की लेकिन डे टू, और अब हम नाश्ता करके गाड़ी का पता करके अब हम अड्डे की तरफ जा रहे हैं और अभी हम थल जाएंगे। थल से आगे किधर जाना है जी? अभी थल की गाड़ी में बैठे अभी आगे आपके भाई को शर्म आ रही है। ये हमारे उसका इस गाड़ी का जो किराया है तैमरगरा से 800 का है। अच्छा सवार एक बार बहुत नाराज है और कार की पहले सीट से डायरेक्ट प्लेन को चाहिए आखिरी सीट। इसको घेरा सदमा हुआ है, सदमा हुआ सारे रास्ते पर नाराज था, पता है सदमा हुआ था। फिर मैंने सोचा कि यार ये तो मतलब बात तो हो गई, काम तो हुआ, रास्ता भी लंबा है, तो फिर मैंने अपने आप को तसल्ली दी। इसका मोटर का मोटर कार का फ्रंट सीट याद आ रहा था की तरफ मुझे मिल जाएगा, ये मोटर कार का फ्रंट सीट और काला चश्मा लगा हुआ, फ्रंट सीट मैं तुम्हें दूंगा। ये नहीं, ये पीछे वाली। अल्हम्दुलिल्लाह
ये अब डे टू, रात को हम पहुंच गए थे कुमराट वैली, और ये इसका सीन है। पहले बड़ी प्यारी थी, सुना था वीडियोस में। ये हमारे जहाँ पर हमारा कमरा है वहाँ का सीन है। इंशाल्लाह थोड़ी देर में पूरी सैर करवाएंगे आपको। वो दरिया बह रहा है, ये हमारी टैंकी है, ये हमारे सोए हुए हैं, ये हमारा सामान है। उठो चलो चार की तरह। तो अभी हम इंशाल्लाह निकलेंगे मलंग जान होटल में, टाइम की ज़रा। अभी हम यहाँ से निकलेंगे, हाँ अभी हम यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह उस तरफ। बहुत ही रेट है और बहुत ही जबरदस्त रेट है। हाँ गाड़ी का निज़ाम निज़ाम भी है, खाना पीना रूम सब कुछ एक ही। तो ये है जहाँ पर हमने स्टे किया था, वो सामने होटल है और ये साथ दरिया बहर है, वो सामने कैंपिंग पॉट्स लगे हुए हैं ये इधर, और इधर आप कुछ खुद भी कैंपिंग कर सकते हैं। लेकिन ये है कि रूम में थोड़ा आजकल वो है, जुलाई में तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। साथ दरियाए कुमराट, और ये हम आगे हाइक कर रहे हैं। और अब तो कुछ और है आगे, क्या कुछ और है, क्या कुछ और है। अभी हम थोड़ी देर में इंशाल्लाह अब शहर में पहुंचेंगे, थोड़ी देर में इंशाल्लाह। ये देखो, चेक करो अजमा भले खपश होगा, मूड बना। और बात सुने, जीप वाले आपसे कितने मांगेंगे, 8,000-10,000 क्या अबशार इतना दूर है, उतना दूर है, यकीन मानो आप वेली तक आ जाए फिर पैदल, अगर नेचर एंजॉय करना है ठीक है। और अभी हम कोशिश करते हैं अबशार के ऊपर आगे जाते हैं ना थोड़ा सा ना। और ये मशवरा मर्द हजरात के लिए, हाँ खवातीन हजरात जो हैं वो ज़रा खैर है, चलो वो जीप में आ सकते हैं, जीप में आ सकती है अगर मतलब। आप भी बोल रहे हैं बस पहुंच गए, लेकिन ये है कि थोड़ा सा पैदल रास्ता है। अभी ये मेरे भाई वो क्रॉस कर रहे हैं, हाँ हाँ ये मेरे दोस्त क्रॉस करो शाब, हाँ क्या हो गया है, तो बस तफा कुछ नहीं होता, ये कोई वो नहीं है, दरिया सिंध नहीं है, नहीं हम मतलब कपड़े गीले हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे तो फिर हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है ना, रिसोर्सेज बहुत है, चलो जाओ पहुंचो, चलो चलो चलो। ये मैं शर्त लगा रहा हूँ ये गिरेंगे, ये जिस तरह जा रहे हैं ना हम गिरेंगे, मुझे पता है। हाँ सीधा कुल के जाओ, अल्लाह खैर करेगा। नहीं नहीं पूरे दूसरे पर चले जाएंगे, दूसरा कोई भी नहीं है, चेक करो किधर है वो, उधर दूर तक किधर, तो किस तरफ जाओगे, वो उस तरफ जाओगे ना, यार हमारा ना कुकी पहलवान है ये सिर्फ वो क्रॉस नहीं कर पा रहे ठीक है ना। हाँ जी शाबा, हाँ वीडियो में गिर गए तो अच्छी बात है ना, कंटेंट बन जाएगा, मैं तो दुआ कर रहा हूँ गिरो, बच गया। लगता है ना जो मैं सबके लिए दुआ कर रहा हूँ गिरने का ना, मुझे मैं खुद ही गिरूंगा, मुझे दमाना जाओ भाई, बच जाओगे राजे अजमा शाबा। ये बर्फ वाला पानी है, ये मैं हूँ, ये मेरे लोंडेला पहाड़े हैं, तस्वीर ना जी, माशाल्लाह ये हमारा कैंप है, ये दरिया बह रहा है। अभी मैं थोड़ा बाहर निकल के ना ये पीछे
नहीं सर आ रहा आपको, मैं ऊपर खड़ा होता हूँ। एक मिनट, ये अबशार हैं, एक मिनट थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये अबशार हैं, ये वो बह रही है दरिया कुमराट, और ये हमारे आय अल्लाह खैर दोनों ही पके दोनों ही पके। ये हमारे चूचे बैठे हैं अभी हमने, ये हमारा बाय साइड पे। हाँ, शंगला में और कुमराट में क्या फर्क है? अच्छा, शंगला में ये जगह है, वो पहाड़ है, जंगल है, पानी है, खूबसूरत ग्रीनरी है, सब कुछ, और मौसम भी बढ़ता है। और इधर कुमराट में भी चीज है, लेकिन कुमराट का रास्ता देखो और शंगले का, ये तो है। तो शंगले में आप स्वाद घूम कर सकते हो, अगर शंगले को भी इंजॉय कर सकते हो। और इधर आके मतलब इतना थकावट हो जाएगा ना, इतना थक जाएगा, ठीक है। देखो और फिर साथ जंगल है और बीच में हम है। हाँ, ये तुर्किश लड़के जो है ना, मुझे देखा ना, मैं तो मेन कैरेक्टर हूँ। तुर्किश तुर्की में भी ऐसा लड़का, तुर्की में भी नहीं है ये, तो स्पेशल इम्पोर्ट की चश्मा काला। हाँ जी सर, धूप तो पड़े ना, धूप पड़े नजर तो आओ ना, ये तो इम्पोर्टेड लड़का है ना, पाकिस्तान में नहीं मिल रहा है। पीछे जाओ थोड़ा, धूप में नजर तो आओ। मतलब किस तरफ में अच्छा लग रहा है? अभी अच्छा लग रहा है, अभी अच्छा लग रहा है। वीडियो बनाओ, ठीक है बना रहा। ये ऑडियंस के लिए कुछ पैगाम, कोई अच्छी बात, कोई नसीहत? ये बात है ना कि कुमराट जरूर आ जाए, फिर शंगला चला जाए। शंगला क्यों ना, अगर कोई इस वीडियो के थ्रू आपके से कांटेक्ट करे, आप उसकी मेहमान नवाजी करोगे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। कौन कौन सी जगह दिखाओगे? मैं यख्तंगे, हाँ ठीक है, वो बदर सर, हाँ ठीक है, यख्तंगे टॉप, हाँ पुरन तहसील, चकेसर तहसील, मेरे ये आपकी तरफ से है। खर्चा आपका होगा, स्टे आपका होगा? जबरदस्त है, और ये वो सिर्फ अपना किराया अब तक लगा, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, खुद आ जाएंगे उधर तक? नहीं हाँ, वहाँ तक तो आएगा ना, फिर मैं चक्कर लगा। हाँ ठीक है, डन हो गया, ये वादा है आपका? हाँ सही है। आप हाँ जिसका बड़ा अल्लाह क्या। सी आर साहब, इसने कोई गजल लिखी है? गजल जल्दी जल्दी, ताकि ये ब्लॉग लंबा ना हो ना। बहते पानी के साहिल पे जाना, तेरे याद मुझे याद आया।